है छोटी, इसकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है। मतलब ये अपनी प्रेजेंस को फील करवाती है, जैसे डॉग्स होते हैं। आप कहीं से बाहर से घर जाओ, आपके पास पूंछ लाते हुए आएंगे कि मेरा फैमिली मेंबर आ गया है। मैं घर में जैसे ही आती हूँ, ये मेरे फुटस्टेप्स को समझ जाती है कि मैं आ गई हूँ, और ये भागते हुए मेरे पास आ जाती है, थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करती है, अपना पेटिंग करवाती है। जब ये आई थी, पेरेंट्स अपना बिजी रहते थे, तो इसने ज्यादातर समय मेरे साथ और मेरी बहन के साथ बिताया, तो मैं ही इसका 24 आवर्स ध्यान रखती थी। ये मेरे साथ बहुत क्लोज है, मैं कनेक्ट करती हूँ इसके साथ, ये मुझे सब कुछ अपना बता देती है। जब मैं कॉलेज डेज में ट्यूशन पढ़ाती थी, वैसे तो मेरा ट्यूशन का टाइम 7 बजे का था, बट मेरे टाइमिंग्स थोड़े चेंज हुए थे 20 मिनट्स के करीब। तो मैं जैसे ही गई और गली में थी, ये मेरे सामने गिरा। मतलब एकदम मैजिकल था। पहले तो मुझे ये लगा कि ये चिड़िया का बच्चा है, तो कुछ सेकेंड्स तो पहले मैं देखती ही रही, बट फिर जब मैंने रियलाइज किया कुछ सेकेंड्स बाद, तो ये एक गिलहरी का छोटा सा नन्ना सा बच्चा था, जो लगभग 4 हफ्ते का रहा होगा। मैं इसको अपने घर ले आई। जब इसको भी रियलाइज हुआ कि ये अपने नेस्ट में नहीं है, तो इसने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। हमने इसको थोड़ा काम करने का कोशिश किया, इसको हमने ब्लैंकेट्स दिए, हमने अपने पाम में इसको रब किया, तो थोड़ा सा ये सेटल डाउन हुआ। फिर हमें समझ नहीं आया अब इसको हम फीड क्या करें। तो मेरा एक कलीग एनिमल वेलफेयर करता रहता है, उसने मुझे बताया कि हम इसको पाउडर मिल्क दे सकते हैं, या फिर सेरेलेक दे सकते हैं, या बिस्किट का चूरा करके हम इसको फीड कर सकते हैं। तो फिर मैं 2 दिन तक लगातार उसी पॉइंट पे जहाँ ये मुझे मिला था, मैं वहाँ जाती रही, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी मदर को नहीं ढूंढ पाई। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फिर हम वाइल्ड में वापस छोड़ देंगे। स्क्विरल जब 2 या 3 महीने की हो जाती है, तब ये वाइल्ड में रिलीज करने लायक हो जाती है। तो हमने डिसाइड किया एक दिन के चलो, अब ये थोड़ा सा एक्टिव हो गई है, बॉडीली भी फिट है, ये अपने पे सरवाइव कर सकती है। तो हमने उसको वाइल्ड में जैसे ही छोड़ा, ये एकदम से नीचे गिर गई, वॉल से मुंह के बल गिरी, इसका दांत टूट गया, इसके लोअर लिप पे इतना ब्लड हो गया था। तो फिर हमने इसको उठा के वापस घर ले गए। 1-1.5 हफ्ते बाद जब ये दोबारा से रिकवर हो गई थी, फिर हमने इसको रिलीज करने की कोशिश करी, ये नाली के अंदर घुस गई, और वो नाली में पानी भी था। तो हमें फिर इसको रेस्क्यू किया, फिर इसको खींच के निकाला। हमने वहाँ डिसीजन लिया कि जब तक है इसको हम अपने पास रखेंगे। पेरेंट्स के साथ इतना मिक्सअप नहीं है, मदर के साथ फिर भी ठीक है, मेरे पापा के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती, झगड़ लेती है उनसे, उनको जाके काटा भी है उसने बहुत बार। चिंटू के साथ जो मेरे ये पिछले 3 साल बीते हैं, ये एक्सपीरियंस मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं इमोशनली बहुत डाउन होती हूँ, तो इसको ये भी सेंस कर लेती है कि आज मैं अच्छा फील नहीं करती, कभी मेरा रोने का मन करता तो ये आके मेरे पास बैठ जाती है। फ्रैंकली बोलूं तो हमें तो ये था कि एक दिन भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत ही छोटी सी, और इसको कुछ अंदाजा भी नहीं था इसके साथ क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में ये बस ज़्यादा सोती थी, तो हमारे को बस ये था कि अगर जितना भी ये टाइम रहे, हम इसको बस ठीक से हम इसकी केयर कर पाएँ। हम सब जो एनिमल लवर्स हैं, वो बड़े जानवरों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब कहीं पर अगर शेर के साथ कुछ हो जाता है, तो हम कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, या हम गौ सेवा कर लेते हैं, कुत्तों को भी खाना खिला देते हैं। पर जो हमारे नज़दीकी आस पास छोटे जीव हैं, पंछी हो गए, गिलहरियाँ हो गई, चूहे हो गए, हम उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये कहूँगी, big or small, we should love them all.